YouTube चैनल मैं रुचि, आप सभी तो अच्छे से जानते ही होंगे मुझे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। सो गाइस, आज की वीडियो में आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ बालों से रिलेटेड वीडियो, यानी कि हम अपने बालों को इतने इजी तरीके से, यानी सिंपल तरीके से, बहुत ज्यादा उसमें सामान भी ना इस्तेमाल हो और हमारे बालों को एक अच्छा सा ब्लैक कलर मिल सके, तो उसके लिए आज मैं आपके साथ रेमेडी लेकर के आई हूँ। आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगेगी, बिकॉज ये बहुत ही सिंपल है और बहुत ही सिंपल होने के साथ साथ बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है। अब आप कहेंगे कि आप हर वीडियो में बार बार इफेक्टिव क्यों बोलती है, बिकॉज वीडियो अच्छी इफेक्टिव होती है, रेमेडी इफेक्टिव होती है, तो उसको इफेक्टिव बोलना गलत तो नहीं है ना। सो गाइस, बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन है कि हम मेहंदी से अपने बालों को काला नहीं लाल रंग दे सकते हैं, यानी कि मेहंदी जो है बालों को लाल रंग ही देती है। तो ये मेहंदी के ऊपर नहीं, हमारे ऊपर डिपेंड करता है, यानी कि आपको अपने बालों को, मतलब मेहंदी से आप अपने बालों को लाल रंग देना चाहते हैं या काला देना चाहते हैं, ये आपके ऊपर है। तो क्या चाहते हैं आप, काला रंग देना चाहते हैं ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो, और इस वीडियो को जल्दी से लाइक कर लो और जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर न्यू हो मेरे चैनल पे। चलो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। फ्रेंड्स, इसको बनाने के लिए हमें यहाँ पे चाहिए एक लोहे की कढ़ाई और एक गिलास पानी। पानी को लोहे की कढ़ाई में हमें ऐड कर देना है इस तरीके से। इसके बाद हमें इसमें ऐड करना है लगभग 2 चम्मच आंवला पाउडर। तो इस तरीके से आंवला पाउडर को हमें इसमें डालना है और अच्छे से मिक्स कर लेना है, यानी कि जो गुठलियां हैं उसको अच्छे से पानी में घुल जाने देना है और हमें इस पानी को अच्छे से बॉयल करके पकाना है। तो यहाँ पे गुठलियाँ मिक्स हो गई हैं, अच्छे से फूट गई हैं और बॉयलिंग स्टार्ट हो गई है। तो हमें इससे बॉयल करके एक गिलास को लगभग आधा गिलास करना है, इतना हमें इस पानी को पकाना है। तो जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे इसका जो पानी का स्तर है वो कम हो गया है और कलर भी चेंज हो गया है, आप देख सकते हैं। यहाँ पे गैस को बंद कर देंगे और हम इसको स्ट्रेन कर लेंगे, यानी कि हमें इसे छान लेना है और अगेन फिर से हमें इसे एक बार बॉयल करना है। तो यहाँ पे मैंने पानी को छान लिया है और एक अलग बर्तन में रख लिया है, जैसे कि आप देख सकते हैं। अगेन फिर से हमें इसको एक बार और बॉयल करना है, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा ही, हमें बस एक बार और इसको छना हुआ पानी को बॉयल करना है। सो गाइस, इस तरह बॉयल करने के बाद हमें यहाँ पे गैस के फ्लेम को बंद कर देना है। ये अच्छे से बॉयल हो गया, अब यहाँ पे गैस के फ्लेम को बंद कर देते हैं और इसको ठंडा होने देंगे, फिर अपना प्रोसेस करेंगे नेक्स्ट। गाइस, जैसे कि आप देख रहे हैं आंवला का पानी यहाँ पे ठंडा हो चुका है, अब हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच के करीब रीठा पाउडर और बालों के अकॉर्डिंग मेहंदी डालनी है तो मेहंदी आप अपने हिसाब से चॉइस कर सकते हैं। तो अभी हम यहाँ पे 2 चम्मच डालेंगे, इसको अच्छे से मिक्स करेंगे, रीठा एंड मेहंदी पाउडर को इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो गाइस, इसको अच्छे से पहले मिक्स कर लेंगे। तो अभी मैंने यहाँ पे सिर्फ 2 स्पून मेहंदी पाउडर डाला है और 1 स्पून रीठा पाउडर डाला है। रीठा पाउडर जरूर ऐड कीजिएगा क्योंकि ये हमारे बालों को काला करने के साथ साथ हमारे बालों की ग्रोथ के लिए भी अच्छा होता है, स्ट्रॉन्ग करता है हमारे बालों को। इसमें हम और मेहंदी अभी ऐड करेंगे। फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे लगभग 4 चम्मच मेहंदी के पाउडर को और ऐड किया है, यानी कि 2 चम्मच पहले और 4 चम्मच बाद में, पूरे मिला के हो गए 6 चम्मच और 1 चम्मच आपका रीठा पाउडर। तो इसको अच्छे से हमें मिक्स कर लेना है, लम्स वगैरह बिल्कुल ना रहे, यानी कि जो गुठलियाँ हो जाती है बीच में, ढोके हो जाते हैं जो मेहंदी के, वो बिल्कुल अच्छे से इसमें मिक्स हो जाएं, इतना हमें इसका पेस्ट रेडी कर लेना है। एंड इसके बाद हमें इसे एक रात के लिए ढक के छोड़ देना है। तो यहाँ पे मैं इसको ऐसे मिक्स करके और इसको रात भर के लिए छोड़ दूँगी, ताकि ये अच्छे से मेहंदी और रीठा आराम से इसमें मिक्स हो जाए। तो यहाँ पे मैंने ढक दिया है और इसको हम छोड़ देंगे और नेक्स्ट डे देखेंगे। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट डे मॉर्निंग में हम देख लेते हैं कि हमारा जो मेहंदी का कलर है वो कितना निकल के आया है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे बिल्कुल ही ब्लैक हो गया है, रात में ग्रीन था और इस टाइम आपको ब्लैक दिख रहा है, आप देख सकते हैं अच्छे से। तो ये बेनिफिट मिलता है हमें आयरन की कढ़ाई का यूज़ करने से। चलिए अप्लाई कर लेते हैं।
देखा आपने, मैंने आपके साथ केवल क्लिप्स यहाँ पे पिक्चर शेयर की कि अपने बालों में मेहंदी को मैंने लगा लिया। उसके बाद मैं आपको दिखा रही हूँ कि मेरे बाल ब्लैक हो गए हैं, रेड नहीं हुए। अगर आपको हल्के से रेड नज़र आते हैं मेरे बाल, तो मैं आपको बता दूँ कि मैं अपने बालों में बरगंडी एंड ब्लैक कलर दोनों ही लगाती हूँ, बिकॉज मुझे बरगंडी एंड ब्लैक कलर दोनों ही बहुत अच्छे लगते हैं। तो इसलिए आपको मेरे बाल हल्के से बरगंडी और हल्के से ब्लैक नज़र आते हैं। उसका रीज़न ही यही है, बिकॉज ये दोनों कलर मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो मैं बाहर मार्केट से नहीं लगाती हूँ केमिकल वाले कलर, और घर में चाहे बीटरूट से, मेहंदी से, कॉफ़ी से, जो भी DIY आपके साथ शेयर करती हूँ उसको अपने बालों में लगा लेती हूँ, और आपके साथ शेयर भी की है। चूँकि इस वीडियो थोड़ी बहुत लंबी हो जाती है और बोरिंग हो जाती है, इसलिए मैंने इसको शेयर नहीं किया। अब मेहंदी लगाना क्या, मैं आपके साथ दिखाऊँ कि मैं मेहंदी कैसे लगा रही हूँ। आप लोगों को तो पता ही है ना मेहंदी कैसे लगाते हैं बालों में। सो मैंने भी लगा ली और आप लोगों के साथ बस पिक्चर शेयर कर दी, और अभी देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ। सो अगर आप चाहते हैं अपने बालों में काला और अच्छा कलर देना, तो इस तरीके से बहुत ही ईजी तरीके से दे सकते हैं। कोई भी ज़्यादा सामान नहीं, कोई ज़्यादा मेहनत नहीं, थोड़ा सा पेशेंस रखिए, बाल के कलर ब्लैक ही आएंगे। तो चलिए इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं, और वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिए, कमेंट करते हैं ना तो मुझे और भी अच्छा लगता है। तो चलिए फिर से मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए, हैव अ गुड डे, और घर में ही रहना, बाहर नहीं निकलना। बाय बाय।